एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेटा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या होता है, किस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है, किस तरह से वह हमें डिजीजेज कॉज करता है, किस तरह से हम डिजीजेज से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कवर की थी। आज के सेशन में हम करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक और पार्ट, दैट इज फंजाई, कि फंजाई क्या होता है। तो फंजाई या फिर फंगस भी उसको हम बोल सकते हैं। तो बेटा, फंगस क्या होता है? जैसे कि जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में आप क्या देखते हो कि जो हमारी वुड होती है उस पर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर उग जाती है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फंजाई। वह क्या है? फंजाई है या फिर फंगस है। और किस तरह से हम पता कर सकते हैं फंजाई का? जैसे मान लो कि आपके पास में दही रखा है, ठीक है, आपके पास में दही है और उस दही को आपने कई दिन के लिए बाहर रखा छोड़ दिया, कई दिन के लिए आपने उस दही को ऐसे ही बाहर रखा छोड़ दिया, तो कुछ दिन के बाद में आप क्या देखोगे कि उस दही पर इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, इस तरह का फफूंद आ जाता है। तो ये फफूंद है, ये क्या है? यह फफूंद फंगस है, दैट इज फंगस। तो ये है फंगस। अब फंगस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। चलिए, फंजाई आर अ फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट प्ले क्रूशियल रोल इन अवर एनवायरनमेंट एंड इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में भी और हमारे एनवायरनमेंट में भी जो फंगस है उसका बहुत ही मेन रोल होता है। क्या रोल होता है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अनलाइक प्लांट्स, फंजाई डोंट हैव क्लोरोफिल एंड कांट मेक देयर ओन फूड। जो फंजाई है उसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, उसकी ट्री लाइक स्ट्रक्चर तो होती है लेकिन उसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट। वह फंजाई के पास में नहीं होता है, इसलिए वह अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से वह फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, लेकिन जो फंजाई होता है उसके पास में क्लोरोफिल ना होने की वजह से वह अपना फूड खुद नहीं बना सकता। इंस्टीड दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो फिर वह अपना फूड कहाँ से लेते हैं? वो अपना फूड बनाते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, उनके डिकेइंग से वह अपना फूड बनाते हैं। और बाय लिविंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, या तो वह जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना फूड बनाएगा या फिर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वह अपना फूड बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से वह अपना फूड बनाते हैं। अब देखते हैं कि फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो जो फंजाई होता है वह यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि यह मल्टी सेलुलर होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसका मतलब इसमें जीन्स एंड डीएनएज भी रहते हैं। दिस मीन्स देयर सेल हैव अ न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की जो सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक वैसे ही जो फंजाई है वह भी सेल से मिलकर बना हुआ है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। जैसा हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है वह सिंगल सेलुलर है और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इसका मतलब यह है कि यह अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, उनको अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ता है। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस इट देमसेल्व्स। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि वो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दूसरा है कि वह हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, अपने फूड के लिए किसी और पर उनको डिपेंड होना पड़ता है। थर्ड इज नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब है कि वो चल फिर नहीं सकते। जो बैक्टीरिया है वह एक जगह से दूसरी जगह पर खुद से जा सकता है, लेकिन जो फंजाई है वह है एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। जो बैक्टीरिया है वह तो एयर के साथ में मूव कर जाता है, लेकिन जो फंगस है वह मूव नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर वुड पर अगर कोई छतरीनुमा कोई स्ट्रक्चर उग जाती है, ग्रो कर जाती है, तो क्या वह अपनी जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी हवा के साथ उड़ के या फिर कैसे भी? नहीं जा पाएगी। तो वो नॉन मोटाइल होते हैं।
फंजाई कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वह खुद से मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेल वॉल, जो फंगस होती है उसकी जो सेल होती है उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, उस पर क्या होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है। चिटिन क्या है, चिटिन एक तरह का फाइब्रस सबस्टेंस है, एक तरह का फाइब्रस सबस्टेंस है चिटिन। ठीक है बच्चे, दे हैव अ प्रोटेक्टिव सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, वो एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल रखते हैं, यानी कि उनकी जो सेल होती है उसके बाहर एक वॉल लगी होती है, एक तरह से वॉल कह सकते हैं हम, जो कि चिटिन की बनी होती है। स्पोर प्रोडक्शन, फंजाई रिप्रोड्यूज बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, ये रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, स्पोर से, विच आर टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट कैन स्प्रेड एंड ग्रो इन टू न्यू फंजाई। यानी कि अगर मान लो आपके पास में कोई दही दूध बाहर रह जाता है तो उसमें पहले थोड़ी सी ही जगह में फंगस आएगा, पहले थोड़ी सी ही जगह में फंगस आएगा, लेकिन उसमें पोर्स रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, बीच बीच में इस तरह के होल्स रहते हैं, और यहाँ से वह क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ से करते हैं वो रिप्रोडक्शन, और उसके बाद में ये जो फंगस है वह है बहुत सारी जगह में फैलता जाएगा, बहुत सारी जगह में ये फैलता जाएगा। तो पहले थोड़ा रहता है और उसके बाद में धीरे 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 करके वह ग्रो होता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फंजाई, फंजाई कितने टाइप का होता है। तो कई तरह के फंजाई रहते हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, कई तरह के फंजाई हैं, जैसे कि यीस्ट, यीस्ट कैसा है, यीस्ट एक सिंगल सेल्ड फंजाई है। यीस्ट कैसा फंजाई है, यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंजाई, इसका मतलब यह है कि जो यीस्ट है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, यीस्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। यीस्ट किसके काम में आता है, यीस्ट हमारे ब्रेड बनाने के काम आता है, केक बनाने के काम में आता है, चीज़ बनाने के काम में आता है, इन सब में कौन आता है, यीस्ट काम आता है। मोल्ड्स, मोल्ड्स क्या है, मोल्ड्स भी एक तरह का फंजाई है, मोल्ड्स इज अ मल्टी सेलुलर फंजाई, मोल्ड्स कई तरह के सेल्स से मिलके बना हुआ है। जो यीस्ट है वह है यूनिसेलुलर है, यानी कि वह सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, लेकिन जो मोल्ड्स फंजाई है वह मल्टीसेलुलर है। तो फंजाई मल्टीसेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फंजाई दोनों तरह से हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। मल्टीसेलुलर फंजाई दैट कैन ग्रो ऑन फूड एंड अदर सर्फेसेज, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर हम दूध को या दही को कई दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं, या जो हमारा पिकल होता है उसको अगर हम 6-7 महीने के लिए देखें ही ना, उसको ऐसे ही छोड़ दें, तो उस पर एक फफूंद जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो क्या है, वह मोल्ड्स है। जो हमारा ब्रेड है उसको हम पानी डाल के मॉइस्ट एनवायरमेंट में छोड़ देंगे तो उस पर वाइट ग्रेस कलर के पैचेस बन जाते हैं, वो वाइट ग्रेस कलर के पैचेस क्या हैं, दैट आर मोल्ड्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इज मशरूम्स, मशरूम तो हम खाते हैं, हमारे खाने में एक तरह की सब्जी है, मशरूम की सब्जी है ना, तो मशरूम हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मशरूम में काफ़ी प्रोटीन होता है, तो जो फंजाई है वह हमारे लिए हेल्पफुल भी है। जैसा कि हमने देखा कि जो फंजाई है वह क्या करता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, उनको डिके करता है, उनका डिकम्पोजिशन करता है, तो मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल है। जैसा कि हमने देखा कि वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करते हैं, कि जो डेड डिकेइंग एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करके, और वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, हमारे लिए जैसे कि मशरूम है, जैसे कि यीस्ट है, ये सब क्या है, एक तरह के फंजाई तो हैं, जिनसे क्या बनते हैं, ब्रेड बन रहा है, केक बन रहे हैं, ये सब किससे बनते हैं, फंजाई से बनते हैं। जो मशरूम है वह काफ़ी, उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, वह हमारे लिए काफ़ी हेल्दी है, तो वह भी एक तरह का फंजाई है। द फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सर्टेन फंजाई, कैसा होता है, फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैशी फ्लैशी होता है, मतलब उसको अगर आप टच करके देखोगे तो एकदम फिसलना फिसलना लगता है कि हाथ से फिसल जाएगा, इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चे, इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई की क्या इम्पोर्टेंस है, वैसे तो हम देख ही चुके हैं कि फंजाई की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन और थोड़ा हम देख लेते हैं। फंजाई आर असेंशियल डिकम्पोजर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं।
ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं बैक इनटू द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम हमारा है, जैसे कि हमारी जो सॉइल रहती है उसमें से नाइट्रोजन का रिसाइकिल होता है। तो नाइट्रोजन का रिसाइकिल कैसे होता है कि जो इकोसिस्टम की जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में चली जाती है, और फिर वो सॉइल से वापस कैसे आती है, जो सर्कल चलता रहता है वो किसकी हेल्प से होता है, वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होता है, और जो फंजाई है वह भी उसमें हेल्पफुल रहता है। दे आर ऑल्सो यूज इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेड बन रहा है, हमारे केक्स बन रहे हैं, हमारे जो बर्गर बंस बनते हैं, ये सब किसकी हेल्प से बनते हैं, सारे के सारे फंजाई की हेल्प से बनते हैं, लाइक ब्रेड एंड चीज। एंड मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि पेनिसिलिन। हाउएवर सम फंजाई कैन बी हार्मफुल कॉजिंग डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फंजाई हमारे लिए हेल्पफुल हैं, कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जो हमें डिजीजेज कॉज करते हैं, कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें डिजीजेज होती हैं, लेकिन ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो हमारी मदद करते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरियाज भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज कुछ फंजाई ऐसे हैं जो डिजीजेज कॉज करते हैं। चलिए कुछ फन फैक्ट्स हैं फंजाई के बारे में, देख लेते हैं क्या हैं। द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज फंगस। मतलब जो लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर, दैट इज फंगस। अ जायंट हनी मशरूम्स फंगस इन ओरेगन USA कवर्स एन एरिया ऑफ 2000 acres। 2000 acres में तो सिर्फ फंगस ही है वहाँ पर। सम फंजाई ग्लो इन द डार्क। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो डार्क यानी कि जो अंधेरा होता है उसमें ग्लो करते हैं, उसमें चमकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। जिनको क्या बोला जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस। फंजाई हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन ट्रेडिशनल मेडिसन्स। जो फंजाई है वह ट्रेडिशनल मेडिसन्स में यूज किया जाता है, यानी फंजाई की हेल्प से मेडिसन्स भी बनाई जाती हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू सी अ मशरूम, रिमेंबर दैट इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ऑफ द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ फंजाई। अब अगर आपको कहीं पर भी मशरूम दिख जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो फंजाई है, ये तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये कुछ फन फैक्ट्स थे फंगस या फिर फंजाई के बारे में। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ किस तरह से बना हुआ होता है, वह हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, किस तरह से हार्मफुल है, उसके फन फैक्ट्स क्या हैं, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए द नॉलेज नुक्कड़।